कोरोना के खात्मे की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ते हुए रूस आगे निकल गया है। रूस ने कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान कर दिया है। रूस की कोरोना वैक्सीन का नाम गैम कोविड वैक लियो है। कोरोना वैक्सीन का पहला टीका खुद पुतिन की बेटी को लगा है। रूस में बनी इस वैक्सीन को वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दी है। इस वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और मॉस्को के गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक रूस में सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने की शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। हेल्थ वर्कर्स के बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल इस वैक्सीन की लिमिटेड डोज तैयार की गई है। रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है तो अब वैक्सीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर से शुरू हो सकता है। रूस ने कहा है कि वो अक्टूबर से देश भर में टीका लगाने की शुरुआत कर सकता है। हालांकि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सिर्फ 2 महीने में निपटा देने के लिए WHO ने शंका जाहिर की है। वहीं इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा है कि वो अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों को भी ना भेजी जाए। रूस की आम जनता पर वैक्सीन का असर देखने के बाद बाकी देश भी इस पर कोई फैसला कर सकते हैं। रूसी एजेंसी टास के मुताबिक रूस में यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस पर आने वाली लागत को देश के बजट से पूरा किया जाएगा। हालांकि बाकी देशों के लिए कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया। रूस ने जहां वैक्सीन लॉन्च कर दी है तो वहीं बाकी दुनिया भी कोरोना टीकों का ट्रायल कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल, जापान, चीन और भारत समेत कई देशों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल के आखिरी स्टेज में कुल 5 वैक्सीन पहुंच चुकी है और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आ सकते हैं। वैसे रूस ने वैक्सीन बनाकर दुनिया को बड़ी खुशखबरी दी है। इस खबर का इंतजार 6 महीने से पूरी दुनिया कर रही थी। अब अगर इस वैक्सीन को WHO का अप्रूवल भी मिल जाता है तो फिर सोने पर सुहागा होगा।